हेलो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव के पेपर के बारे में, और जो मैथमेटिक्स हम इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं, कुछ लोग मैथ्स बोलते हैं, कुछ लोग क्वांट्स बोलते हैं, एक ही चीज़ है। कुछ कुछ वास्ट नहीं है, कुछ अलग डिफरेंस नहीं है दोनों में। हाँ, ये ज़रूर है कि SBI PO और क्लर्क, इन दोनों में कंपेयर करें तो फिर थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जब PO के ऊपर बात करें तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, क्वांटिटी उसको बोल के जा चलेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए और किस तरीके से अपन को पेपर देना है कि हम वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आ सकें। देखिए, मैथमेटिक्स के ऊपर में बहुत से लोगों का ना कॉन्फिडेंस डाउन होता है, और ख़ासकर ऐसे लोग थोड़ा अनईजी फील करते हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, फिर भी वो उन सब चीज़ों को अच्छे से नहीं बना पाता। साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं, उनको थोड़ा मोरल ऊपर रहता है कि भाई मैंने इतना मैथ पर बना सकते हैं। हालांकि जब आप पेपर सॉल्व करने के ऊपर में आते हैं ना, तीनों एक ही पोजीशन पे, ना कोई ऊपर कोई ना नीचे, बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है और आपको सही चीज़ को सही तरीके से बनाना है, आप नंबर निकाल पाओगे। हमने भी इस टॉपिक का नाम रखा मैक्सिमम लेकर के आना। अब मैक्सिमम का मतलब क्या, 35 35 ये तो होगा नहीं, फिर भी 20 से 25 नंबर अगर निकाल पाते ना तो फिर बहुत अच्छे पोजिशन पर हैं। तो क्वांटिटेटिव से अगर 20 नंबर मिनिमम तो निकलना चाहिए, ऐसा है कि 20 नंबर मिनिमम निकलना चाहिए, और मैक्सिमम में कह सकते हैं तो 25 26 27, इतना भी, इतना अगर इतना आता ना तो बहुत बेस्ट स्कोर चल रहा है, ठीक है। मतलब आप फिर सिलेक्शन प्री तो पक्का आप बहुत अच्छे से निकाल लोगे, क्योंकि हमने रीजनिंग के वीडियो में भी बात किया था, वहाँ पे भी हम देखा था कि कैसे 20 से 25 के ऊपर में ला सकते हैं, इजिली ला सकते हैं। हमारा कट ऑफ क्या होता है, 50% के आसपास, बहुत से बहुत क्या जाएगा कट ऑफ, 52 53 जाएगा, 55 जा सकता है, उसके ऊपर जाना इम्पॉसिबल है, खासकर SBI PO के प्रीलिम्स के ऊपर में। तो अगर हम 20 नंबर, अगर हम मिनिमम साइड पर थे कि 20 नंबर, चलो हम क्वांटिटेटिव से निकाल रहे हैं, 20 नंबर अगर हम रीजनिंग से निकाल रहे हैं, 40 नंबर हो गया, और 15 16 नंबर इंग्लिश से निकाल सके, तब फिर हमारा तो पेपर बहुत अच्छा चल रहा हुआ। तो हमको उसी चीज़ पे देखना है कि आखिर क्वांटिटेटिव में किस तरीके से पेपर को देना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं। अभी हमारे पास में 2 3 महीने का समय है पेपर होने के लिए, तो समय है, हम किस कर सकते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला सिलेबस को अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको नंबर सीरीज देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि डेटा इंटरप्रिटेशन है, फिर यहाँ हमने 3 नंबर मिसलेनियस क्वेश्चन को लिया है, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसलेनियस, डेटा सफिशियंसी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन, ठीक। नंबर डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाए तो नंबर सीरीज जो है वो डेफिनेटली 5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल जो क्वांटिटी में होगा वो 35 क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो 5 नंबर सीरीज डेफिनेटली ये श्योर है आएगा ही आएगा। डेटा इंटरप्रिटेशन ये कभी कभी 2 × 5 देते हैं तो 10 क्वेश्चन हुआ, या फिर 3 × 5 देते तो 15 क्वेश्चन हुआ, मेजोरिटी केसेस में आपको ये देखने को मिलता। मेजोरिटी केसेस में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई पेपर में ही कर, लेकिन SBI में 15 आता ही है। मिसलेनियस क्वेश्चन ये 5 से 10 के बीच में आता है, ठीक है, लगभग 10 देखने को मिलता है यहाँ से क्वेश्चन, ये मिसलिनियस के हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। डेटा सफिशिएंसी कॉमन नहीं है, ये पेपर में उतना कॉमन नहीं है, लेकिन कभी आ गया तो 2 क्वेश्चन आ गया तो वो 2 क्वेश्चन इधर मेकअप करते हैं, मिसलिनियस में, DI में, इसमें मेकअप कर 2 क्वेश्चन निकालते हैं। हालांकि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इसको क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कहते हैं, ये गारंटीड 5 क्वेश्चन आता है, ये इतना ईजी है कि 2 मिनट में आप 5 नंबर ला सकते हो, ये बहुत इजी है। सिंप्लीफिकेशन 5 क्वेश्चन आना तय है, ये भी एक तरीके से कहिए कि श्योर है। अच्छा, सिंप्लीफिकेशन को ही कभी कभी हम लोग एक दूसरे नाम से अप्रोक्सीमेशन भी कह देते हैं, तो हमने यहाँ पे केवल सिंप्लीफिकेशन लिखा है, आप कंफ्यूज नहीं कहें कि अप्रोक्सीमेशन अलग है या सिंप्लीफिकेशन अलग है। बस एक ही चीज क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन में आपको क्या होगा, कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करके जब एग्जैक्ट एग्जैक्ट अगर आ गया, ठीक है, तो वो हमारा फिर सिंप्लीफिकेशन कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शन में 5 है, अपने पास 5 आ गया, तो फिर वो कहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन है। अगर ऑप्शन में मेरा 5 है, मेरा हम सॉल्व करके 4.95 ला रहे हैं, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर में आ गया, कोई डिफरेंस ही नहीं है दोनों में, दोनों का सेम प्रोसेस है। यानी कि अगर हम इन नंबर को जोड़ें तो 5 नंबर अपना नंबर सीरीज हो गया 5, अगर हम इसको 10 लेके चले तो 15 यहाँ, अगर इसको 10 लेके चलते तो 25 हो गया हमारा, और 5 इधर से और 5 इधर से 35 हो गया।
तो इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, याद रखिए इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा, और अगर आता भी है कुछ नया चीज लेकर के आ गया, जैसे कभी कभी दिखता है पेपर में का ज्योमेट्री क्वेश्चन डाल दिया, छोड़ देंगे, इग्नोर करेंगे, ध्यान ही नहीं देना उनके ऊपर में, प्रोबेबिलिटी देते हैं, तो वो सब क्या रहता है हम लोग भी देखते हैं क्या रहता है। डेटा इंटरप्रिटेशन में अपने को प्रीलिम्स लेवल में एटलीस्ट ये सब चीज करके जाना चाहिए। पाई चार्ट के ऊपर में क्वेश्चन आता है, जैसे पाई चार्ट में आप देखते हैं ना, एक सर्कल होता है उसके ऊपर में इस तरीके से पाई की तरह बना होता है, और ए बी सी करके दे देते हैं, तो इसको बनाना होता है, सॉल्व करना होता है। इसमें थोड़ा बहुत वो 360 डिग्री वगैरह लेकर के हम बनाते हैं, ईजी है, आप इसको अलग से पढ़ेंगे तो कर पाओगे। टेबल्स वाला फिर तो आप समझ सकते हैं किस तरह डी आई हो गया, बारन ग्राफ और लाइन चार्ट, यानी कि डी आई में भी जो टाइप आता है प्रीलिम्स में वो इन चार के ऊपर में ही आता है। और क्या होता है, एक ही आता है कोई, अगर एक पाई चार्ट आया तो एक टेबल दे देंगे, एक पाई चार्ट दिया तो हो सकता है एक बायोग्राफ दे दें, एक बायोग्राफ लाइन चार्ट, यानी कि इन दोनों में से कोई दो दे देंगे, कोई भी दो दे देंगे, या फिर इन तीनों में से कोई तीन दे देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं आता कि दो टेबल ही ग्राफ आ गया या दो पाई चार्ट ही आ गया, ठीक है। तो एक 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 तरीके का, तो जब अभी जो लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो पाई चार्ट को भी करेंगे साथ साथ में टेबल्स को भी, हालांकि कोई डिफरेंस है ही नहीं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन बनाना जान गया वो सब कुछ बना दिया। डीआई के लिए क्या करना है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि डीआई के लिए आपको दो तीन चीजों के ऊपर में बहुत अच्छे से कमांड करना है। पहला जो है आपका वो परसेंटेज के ऊपर में, ठीक है, जो भी इसको देख रहे हैं ना आप, डेटा इंटरप्रिटेशन जब आपको बनाना है तो आप परसेंटेज को बहुत स्ट्रांग करेंगे, ठीक है, इसको पूरा स्ट्रांग करना है अपने को, बहुत ही स्ट्रांग, जितना मतलब कि जितना स्ट्रांग करेंगे पेपर में टाइम बचेगा। दूसरा क्या, कैलकुलेशन, इसको बहुत ईजी करना है, ठीक है, कैलकुलेशन को आप जितना ईजी कर पाओ, जितने तोड़ करके जितना सिंपल कर पाओ बहुत अच्छा, तो वो जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कवर, तो एटलीस्ट ये दो चीज़ को कर लेना है, ठीक है। ये दो चीज़ हो गया परसेंटेज, तो अगर डीआई का 15 क्वेश्चन आता है ना तो 6 से 7 क्वेश्चन तो एकदम दोनों इसी कंसेप्ट पे होता, ये बन गया। इसके अलावा कहीं कहीं पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन ये सब बहुत चीज़ दे देते हैं, उतना नहीं अपने को देखना, लेकिन अपने को क्या करना है, अपने कम से कम स्मार्टली नंबर लेकर के आना है, ठीक है। दूसरी बात, डेटा इंटरप्रिटेशन में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास में 3 3 × 5 आ गया, यानी कि 15 क्वेश्चन है, तो उसमें से एक डीआई ना डेफिनेटली इजी होगा, एकदम डेफिनेटली इजी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि डीआई को पहचानना, ऐसा नहीं करेंगे कि टफेस्ट डीआई के पे फंस गए और मेरा टाइम निकल गया, हमको तीनों डीआई को देखना है और हमको सबसे इजी वाला डीआई पकड़ना है, उसको पकड़ने के बाद में हमको वो डीआई बना देना है, 5 क्वेश्चन तो फिर वो बन जाएगा। दूसरे डीआई में जब आते हैं तो देखेंगे तो वो ऑब्वियसली जब हमने देखा है कि वो पहला वाला आसान था तो हम दूसरा वाला थोड़ा सा टफ होगा, उसमें भी क्या होगा कि आपको अगर 5 क्वेश्चन दिए गए ना तो आप देखोगे शायद पहला क्वेश्चन टफ है ये नहीं बन रहा, लेकिन गौर करोगे ना तो तीसरा चौथा शायद ऐसा हो, या दूसरा तीसरा चौथा, ये तीनों ना इजी है, मतलब सिंपल बन सकता है डेटा से। तो करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 को देखना कि अगर बहुत कैलकुलेटिव है छोड़ देंगे, दूसरे पे आएंगे देखेंगे बन पा रहा है नहीं बना, ठीक, तो एक डीआई से हम 5 लेकर के आ रहे हैं, बाकी दो डीआई से मिला के 5 लेकर के आ गए, अगर 15 नंबर आ रहा डीआई से तो फिर मैं 10 नंबर यहाँ पे श्योर हो गया। इस तरीके से बनाना, ऐसा नहीं कि डीआई छूटा तो पूरा डीआई छोड़ के आ जाएंगे, उस डीआई में एक दो क्वेश्चन भी बनाने का प्रयास करिए, क्योंकि अपने को एक एक नंबर बहुत वैल्यूबल है पेपर, एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। बहुत लोग ऐसे होंगे जो ना 50 कट ऑफ है ना, अगर तो शायद 49.5 मार्क्स, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो इतना भी लेकर के आते हैं, 0.5 0.2 चले जाते हैं, उनको फिर यहाँ पे मलाल होता है कि भाई वो डीआई में एक क्वेश्चन बनाया जा सकता था, तो वो भी चीज छोड़ना नहीं है। ये मिसलेनियस का सिलेबस है, ठीक है, मिसलेनियस में क्या होगा कि देखिए यहाँ पे दो जो 10 क्वेश्चन देते हैं ना, उनमें से एक एक क्वेश्चन लगभग हर टॉपिक से देते हैं, या अगर 10 ना देकर के 5 भी दें तो एक एक क्वेश्चन टॉपिक से देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से दे देंगे, एवरेजेज है यहाँ पर, टाइम एंड वर्क है, आपको एक क्वेश्चन मिलता होगा पे डेफिनेटली, स्पीड टाइम डिस्टेंस पर है, एक या दो क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, मिक्सचर एलिगेशन एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर, परसेंटेज पे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, पार्टनरशिप पे भी एक सवाल पेपर में रहता है, ज्योमेट्री में, क्योंकि हम लोग SBI पे बात कर रहे हैं ज्योमेट्री में रहेगा, IBPS PO में ये चीज़ नहीं होता, ठीक है, लेकिन SBI में एक क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से रह सकता है, ठीक। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है, प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन रह सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आते हैं, जो भी लोग क्वांटिटेटिव या बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं वो यही सब प्रिपरेशन करते हैं, ये बात आप मानो ना मानो,
आप घुमा फिरा के बार बार एवरेज के क्वेश्चन बना रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन बना रहे हो, टाइम एंड वेस्ट वर्क बना रहे हो, स्पीड डिस्टेंस बना रहे हो, आप ये चीज़ स्वीकार करोगे कि आप ये चीज़ बनाते हो बैंकिंग के प्रिपरेशन के नाम पे। और 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसकी वजह से ही आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो। आपका एग्ज़ाम अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो यही रीज़न है कि आप इन सब चीज़ों को बना रहे हो जो यहाँ पे हमने ये लिखा है, इन सब की वजह से। तो जब आप इसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो तो आप एग्ज़ाम निकालना है तो आप इन सब को छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत अटपटा लगेगा सुनकर कि, लेकिन ये मेरा एक सजेशन है कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप इन सब चीज़ों को एग्ज़ाम में बिल्कुल बनाइए ही नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते। होता क्या है कि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन क्या होता है, ये आता है, लेकिन होगा क्या कि देखिए, एक क्वेश्चन बनाने के लिए ना आपको 1 मिनट से ज़्यादा देना पड़ता है। ये आप पेपर में आप ऑब्जर्व किए होंगे, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन आता है ना इजी नहीं आता है, थोड़ा घुमा फिरा के टफ आता है। हो सकता है इन 10 में 2 से 3 क्वेश्चन जो है ना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आसान निकले, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन टफ होगा। और ये 10 क्वेश्चन बनाने में आप लग गए ना तो फिर आपका पूरा बेकार। अब देखिए एक चीज़ क्या है कि पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है ना टाइम वर्क से, लेकिन जब आप प्रिपरेशन करते हो आप केवल टाइम वर्क बना रहे हो, केवल वही बना रहे होते हैं। यानी कि आप दिन का 2 घंटा देते हो केवल 1 मार्क्स के लिए। अगर इस दो दिन का 2 घंटा आप अगर 1 हफ्ते लगातार 2 घंटा केवल डीआई को देते हो ना, आप 10 नंबर ला पाओगे, ये गारंटीड 10 मार्क्स ला पाओगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन बनता है, ये टाइम वर्क हो सकता है आप बनाने जाओ ना बने, लेकिन बाकी डीआई वगैरह बनेगा। तो मेरा क्या कहना है कि आप इन सब टॉपिक को जो यहाँ लिखा होगा ना, इसको हल्का फुल्का रफली बनाओ, लेकिन पूरा समय नहीं देना। वो समय आपका कहीं यूटिलाइज नहीं हो करके वो समय आपका वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पेपर में बनाना क्या क्या है, सबसे पहले पेपर शुरू होगा तो अगेन पहला आपको ओवरव्यू लेना है, पूरा क्वेश्चन देखना है क्या है क्या नहीं। उसके बाद में स्पेलिंग मिस्टेक होगा थोड़ा सा छोड़ेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। ये 5 क्वेश्चन आपको जहां भी मिले आप उसको बनाइए, 3 मिनट लगे 4 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, ये 5 क्वेश्चन बनाइए। हम यहाँ 5 नंबर लिख के चल रहे हैं कि मेरा 5 मार्क्स आ रहा है गारंटेड, ठीक है। नेक्स्ट खोजना है सिंप्लीफिकेशन किधर है, ये याद रखिएगा। सबसे पहला अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन को टच, अच्छा क्या करेंगे, क्वेश्चन शुरू हुआ पूरा देख लेना है, देखने के बाद में हमको मार्क करना है कि क्वाड्रेटिक कहाँ है। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से 12 क्वाड्रेटिक है, ये को हम पेपर में लिखेंगे ये चीज़। जब पूरा देखने के बाद में हम क्वेश्चन नंबर 7 पे सीधे जाएंगे, हम क्वाड्रेटिक बनाएंगे, ठीक है, मेरा 5 नंबर गारंटीड है। दूसरा क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कैसा होता है, वो आता ना आपको जैसे x² + मान लेते हैं 5x + 6 हो सकता है = 2। दूसरा देते हैं कि y² + 2x - 8 = 5। अब यहाँ पे x और y में आपको रिलेशनशिप निकालना होता है, ये बड़ा है छोटा है, इस चीज को मैं सब सब समझ गए होंगे। तो इसको बनाना है, और इसका बहुत सारा इजी ट्रिक है, बहुत सी चैनल्स है जहाँ पे ये मैथ सॉल्व करके दिखाएं, आप वहाँ से देखिए। तो ये 5 नंबर हम एश्योर मानते हैं आफ्टर गिविंग सपोज 3 मिनट, 3 मिनट देने के बाद में। अच्छा 2 मिनट आपने वेस्ट किया है, वेस्ट नहीं इन्वेस्ट किया है किसके लिए, ओवरव्यू लेने के लिए। तो अपना 3 मिनट चला, नंबर हमारे 5 है। अब ये 5 नंबर क्यों, क्योंकि आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कर लो कि 5 नंबर आना ही है। सिंप्लीफिकेशन ये फिर इतना ईजी है, केवल मल्टीप्लीकेशन तो है इसमें, डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, और जो मैथमेटिक्स का है वो चीज़ बॉडमास वगैरह रूल लगा के बन जाता है ये। तो इधर भी अगर हम मान लें कि चलो आपने 3 मिनट से 4 मिनट दिया, लेकिन हम 3 मिनट मांग के चल रहे हैं, ये 3 मिनट में आपका 5 नंबर बनेगा ही बनेगा। इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता है जो सिंप्लीफिकेशन में नहीं बनता, ये बनता ही है। चलो एक वे में मान लेते हैं कि 5 मिनट हमने यहाँ पे दिया, ठीक है, ये 5 नंबर हमारा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट जो बनाएंगे हम नंबर सीरीज बनाएंगे, ठीक है। इस नंबर सीरीज में भी अगर हम 5 मिनट देते हैं, ठीक है, सही तरीके से, तो फिर हमारा कितना हो गया, अगर हम कुछ भी नहीं तो 3 क्वेश्चन बना पा। देखिए हमने बहुत लोअर साइड में रखा है कि 5 मिनट दे करके 3 नंबर लेकर क्या है, पर ये वैल्यूएबल 3 नंबर है। यानी कि अभी तक अगर अपना पोजिशन देखें तो 5 5 5 15 मिनट और 13 मार्क्स, ठीक है, ये 15 मिनट और हम ये 13 नंबर लेकर के आ चुके हैं, ठीक है, 15 मिनट में 13 मार्क्स हमारा आया। नेक्स्ट जो है हमारा वो डेटा इंटरप्रिटेशन है। अब इस डेटा इंटरप्रिटेशन में हमने भी देखा ना कि या तो 2 हो सकते हैं या तो 3 हो सकते हैं, यानी कि या तो 10 क्वेश्चन या तो 15 क्वेश्चन। हम मानते चलो 10 क्वेश्चन आ रहा हुआ, और हम क्या देख रहे हैं कि हमको 4 से 4 मिनट लगता है एक पहला इजी वाला बनाने में, लगेगा 4 मिनट,
भी ज़्यादा ही है, लेकिन 4 मिनट एवरेज लेके चलते हैं, उस 4 मिनट में हम 5 क्वेश्चन बना पा रहे हैं। अब ये देखिए, जो भी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए फिर ये सब बहुत ईजी होगा। टाइम अब देखा जाए कितना है, हम मान लेते हैं कि हमने 20 मिनट दे दिया, ठीक है, और हमारे पास में अभी कितने नंबर हो गए, 13, सॉरी 18, 13 और 5 18 मार्क, 18 नंबर मेरा आ चुका है और हमने अभी तक 20 मिनट दिया है। दूसरा जो डेटा इंटरप्रिटेशन होगा उसमें भी तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो बना सकते हैं, और उसको बनाना है तो 2 से 3 मिनट भी देंगे, यानी कि हमने यहाँ पे और 3 मिनट ऐड किया और हमने यहाँ पे कहा चलो 3 नंबर और बना पाए, यानी कि 21 मिनट्स और हमारा कितना 21 मार्क्स। ये 21 मार्क्स तो हम लेकर के आ गए। अब मिसलिनियस वाले में जैसे एक आध तो बना सकते हैं ना, जैसे परसेंटेज वाला इजी है वो बन जाएगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट वो बन जाएगा, टाइम एंड वर्क बन सकता है, इजी वाला बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे अगर ये ज़्यादा कैलकुलेटिव है तो छोड़ देंगे। तो फिर नेक्स्ट 4 मिनट में हम मान लेते हैं कि चलो 3 से 4 क्वेश्चन हो गया, यानी कि ओवरऑल हमने इसको 25 मिनट अगर मैथ्स को दिया, 25 मिनट हम बहुत ज़्यादा लेके चले गए, लेकिन फिर भी मेरा 22 से 23 नंबर आ रहा है। अब ये ऐसे इक्वेशन पे आ रहा है ना कि जब आप काफ़ी स्लो जा रहे हो, हमने यहाँ पे काफ़ी स्लो रखा है, जैसे क्वाड्रेटिक में 1 मिनट बचाया जा सकता है, यहाँ सिंप्लीफिकेशन में भी 1 से 2 मिनट बचाया सकता है, और नंबर सीरीज में भी 2 मिनट बचाया सकता है, यानी कि 5 मिनट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो थोड़ा लंबा प्रैक्टिस किया जाए ना, अगर 10 से 15 सेट में इस चीज़ को ट्राई किया जाए तो फिर हम 20 मिनट में 25 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन एक चल के आगे बनेगा। तो आपको क्या देखना है कि भाई इसमें मेरे को 20 मिनट देना है, 20 मिनट, ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, 20 मिनट देंगे और 25 नंबर पे मैं टारगेट लेके चलना है। अगर यहाँ से 25 आ जाता है, और रीजनिंग में भी अगर हम मान लेते हैं 20 मिनट देते हैं, पूरा 20 मिनट देते हैं रीजनिंग में, या प्लस माइनस +5 और रख लेते हैं, और हम केवल यहाँ से 20 नंबर ही लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, रीजनिंग को हमने ज़्यादा समय दिया है, और यहाँ पे भी अगर 2 मिनट और लेकर चलते हैं, हाथ में 2 मिनट ले लेते हैं हम, तो मेरा 25 नंबर, यानी कि टोटल समय हमारा कितना हो रहा है, 25 और 22, 47 मिनट, 47 मिनट हमने दिया है और हमारे 45 मार्क्स आ गए। नेक्स्ट 13 मिनट जो है मेरा, वो अगर इंग्लिश में हम देते हैं, और इंग्लिश के लिए भी स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस किया हुआ, आप प्लेलिस्ट में आके देखेंगे, तो वहाँ से भी अगर आप 10 मिनट 13 मिनट दे करके केवल 10 मिनट भी 10 मार्क्स भी लेकर, तो आपका 55 स्कोर ये बनता दिख रहा है। तो ये अप्रोच आपको लेकर के चलना है, और सब में टाइम को रिड्यूस करने का जिम्मा आपका है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में क्या करना है कि पहला 1 से 2 मिनट ओवरव्यू देना है सारे क्वेश्चन के ऊपर में, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे पहचान पाओगे आप उतना टाइम, हो सकता है कि 40 सेकेंड में ओवरव्यू आ जाए स्किप मार मार के, एक एक सेकेंड, दो दो सेकेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको बचाना है। वो दूसरा स्टेप क्या है कि मार्क विच ऑफ द क्वेश्चन विच आर टू बी अटेम्प्टेड, ये तो हमने भी डिस्कस किया, क्या अटेम्प्ट करना है आपको साइड में लिखते चलो, सॉल्व इजी क्वेश्चन फर्स्ट, वही डीआई में भी इजी पहले बनाना, और ट्राई टू आइडेंटिफाई इजी डीआई, ये डीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी डीआई। अच्छा होता है कभी कि पेपर में बाकी सब टफ आ जाए तो डीआई इजी आता है, और अगर 3 डीआई आ रहा है तो उसमें 2 बनेगा, यानी कि डीआई से आपका 10 मार्क्स है। टाइम जितना जा रहा है टेंशन नहीं लीजिए, अगर आप 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी बनाते हैं ना, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, तो आप 60 मिनट में 60 मार्क्स लेकर के आ जाओगे, इतना आसान है इसको स्कोर करना। तो सही तरीके से करिए, और वो जो आप टाइम वेस्ट करते हो अलग अलग स्पीड टाइम डिस, आप उसको पूरा भी इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भी इग्नोर कर दो, जैसे हम उसको छोड़ करके हम 25 का 25 क्वेश्चन बनाते हैं, मान लेते 10 मिसलिनियस हमने छोड़ दिया, पूरा 25 बनाते मेरे को 22 नंबर भी आता, शायद आप इतना भी नहीं ला पाते होगे, अभी आप इतना भी नहीं ला पाते होगे, लेकिन अभी उसको स्किप करोगे तो आपका फोकस रहेगा पूरा कि भाई मेरे को ये बनाना नहीं आता बिल्कुल, मेरे को पार्टनरशिप को बनाएंगे ही नहीं, लेकिन जो आता है वो बना के तो नंबर ला पाएंगे। तो ये अप्रोच लेके चलिए, 20 से ऊपर मैथमेटिक्स में एक डिसेंट स्कोर कह सकते हैं, जितना ऊपर बढ़े वो आपका प्लस पॉइंट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को थोड़ा अभी प्रैक्टिस में लेकर के आइए, ताकि आप एग्जाम आते आते बिल्कुल, अभी बहुत समय एग्जामिनेशन के लिए, क्लर्क का भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया, पीओ के एग्जाम कुछ दिन में होगा, 2 महीने तो है कम से कम प्रीलिम्स के लिए, किया जा सकता है बहुत अच्छे से। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कोई नया टॉपिक पे आप चाहते हो डिस्कस करना तो आप कमेंट में लिखेंगे, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे।